Hello friends welcome to scholastic classes today we are going to start with homologous series now let's understand what is homologous series now it is a group of compounds having same functional group so first thing is they have same functional group second they have same chemical properties and third is successive compounds differ by ch2 group or 14 mass unit अब हम इसको पहले ये समझते हैं कि सक्सेसिव कंपाउंड डिफर बाय सी एच टू का मतलब क्या है दैट इज़ होमोलोगस सीरीज के अंदर जो भी कंपाउंड्स हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है दैट वुड बी सी एच टू राइट फॉर एग्जाम्पल लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट विद दिस द होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन्स हमें मालूम है एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला है सी एन एच टू एन प्लस टू दैट इज़ अगर हम एन को लेट्स वन पुट करते हैं देन इट विल बिकम सी वन एच टू इन टू वन प्लस टू दैट इज सी एच फोर टू मीथेन राइट सेम फॉर इथेन प्रोपेन ब्यूटेन एंड पेंटेन नाउ सक्सेसिव ग्रुप्स ऑफ सक्सेसिव कम्पाउंड मीथेन इथेन इथेन प्रोपेन प्रोपेन ब्यूटेन ब्यूटेन पेंटेन सो इनके इनका जो डिफरेंस है दैट वुड बी सी एच टू राइट दैट इज सी एच फोर एंड सी एच टू इसमें अगर आप सी एच टू एड करें तो सी टू हो जाता है एच फोर प्लस टू इज सिक्स तो सी टू एच सिक्स नाउ इथेन और प्रोपेन में देखेंगे अगेन सी एच टू का डिफरेंस है सेम फॉर प्रोपेन एंड ब्यूटेन एंड देन ब्यूटेन एंड पेंटेन सी एच टू सो दिस इज होमोलोगो सीरीज ऑफ एल्की सेम फॉर द एल्किस ऑल्सो द जनरल फॉर्मूला फॉर एल्कीन इज सी एन एच टू एन दैट इज एप एन एच टू सो दिसम टू इन टू इज फोर तो सी टू एच फोर एंड जो एल्कीस की आप सीरीज ले लेते हैं इसमें ऑल्सो यू विल गेट द डिफरेंस ऑफ सक्सेसिव कंपाउंड इज सी एच टू दैट इज इसमें अगर आप सी टू एच फोर में सी एच टू एड करते हैं गेट सी थ्री एच सिक्स सेम हेयर सेम हेयर एंड सेम हेयर सो दिस इज होमोलोग सीरीज ऑफ एल्कीस राइट एंड सेम वी हैव फॉर एल्काइंस सो द जनरल फार्मूला ऑफ एल्काइंस इज सी एन एच टू एन माइनस टू सो इथाइन एंड प्रोपाइन इनके बीच का डिफरेंस क्या है सी एच टू हेयर ऑल्सो द सक्सेसिव कंपाउंड प्रोपाइन एंड ब्यूटाइन दे डिफर बाय सी एच टू सो दिस इज होमोलोगो सीरीज ऑफ एल्काइंस नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हमने ये तो देखा कि सी एच टू ग्रुप कैसे वेरी करता है नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि फोर्टीन मास यूनिट क्या है नाउ फॉर एग्जाम्पल अगर हम मीथेन लें मीथेन इज सी एच फोर राइट मिथेन इज CH4. एच फोर न दिक मास ऑफ कार्बन इज 12 एंड हाइड्रोजन इज 1. सो इनके जो मोलिकुलर मासेज हैं लाइक मीथेन हो गया सी एच फोर एंड इथेन है सी टू एच सिक्स सो जो इनके मोलिकुलर मासेज हैं दे डिफर बाय फोर्टीन मास यूनिट सो लेट्स कैलकुलेट फॉर सी एच फोर फर्स्ट सी इज ट्वेल्व राइट तो ट्वेल्व प्लस हाइड्रोजन के लिए वन होता है बट दे आर फोर आइटम सो फोर इंटू वन So, 12 plus 4 is 16u. So, this is the molecular mass of methane. Right? Now, let's calculate for C2H6. So, 12 into 2. Carbon ka hai 12 and there are 2. So, 2 plus hydrogen is 1 into 6. So, it will become 24 plus 6, which is 30u. Right? Now, the difference between these two will be 14 mass units. so 30 16 is equal to 14 u right so successive compounds ka jo molecular mass ka difference hai wo 14 mass unit hoga. so let's revise quickly it is homologous series it is a group of compounds having same functional group and they have same chemical properties and lastly their successive compounds differ by ch2 group or 14 mass unit I hope this is clear to you. If you have any doubts, you can write me in the comment section. Thank you.